विद्यार्थियों नमस्कार। इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे बीए बीएससी बीकॉम बीबीए बीसीए बीएचएससी तृतीय वर्ष यानी फाइनल ईयर का जो आपका सेकंड क्वेश्चन पेपर है यानी फाउंडेशन कोर्स का सेकंड पेपर। पेपर का नाम इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल यूनिट फर्स्ट। यूनिट फर्स्ट में द एक्सप्रेस स्टीफन स्पेंडर की जो पोएम है उसके बारे में हम लोग इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में पढ़ चुके हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे द वर्ड इज टू मच विथ अस बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। दुनिया हमारे साथ बहुत ज़्यादा है विलियम वर्ड्सवर्थ की एक पोएम है, उसको इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे और डिस्कस करने के बाद में हम उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बारे में भी बात करेंगे। तो द वर्ल्ड इज टू मच विद अस बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, इसमें लिखा हुआ द वर्ल्ड इज टू मच विद अस लेट एंड सून। संसार हमसे कहीं अधिक महान है भले ही देर हो जाए। गेटिंग एंड स्पेंडिंग वी लाय वेस्ट अवर पावर, हम अपनी ऊर्जा हासिल करने और खर्च करने में बर्बाद करते हैं। लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज ओर्स, हम प्रकृति में बहुत कम देखते हैं जो हमारी है। मतलब हमारा ध्यान प्रकृति की ओर बहुत कम है, जो प्रकृति हमारे लिए बनाई गई है हमारी खुद की है। वी हैव गिविंग अवर हार्टली हार्ट्स अवे और सॉडिट्स बून, हमने प्रगति की खातिर सहजता गंवा दी है। कैसा घिनौना वरदान है यह, दिस सी दैट बियर्ड्स हर ब्लॉसम्स टू द मून, ये समुद्र जो चंद्रमा की ओर अपना दामन खोलता हुआ दिखाई देता है। द विंड्स दैट विल बी हॉलविंग्स एट ऑल आवर्स, हवाएं जो हर समय गरजती रहती है, हवाएं जो हर समय चलती रहती है। एंड आर अप गैदर्स नाउ लाइक्स स्लीपिंग फ्लावर्स, और अब सोए हुए फूलों की तरह इकट्ठा हो गए हैं। फॉर दिस परिवर्त एवरीथिंग्स वी आर आउट ऑफ ट्यून, इसके लिए हर बात के लिए हम धुन से बाहर हो गए हैं, हम इस संसार से बाहर हो गए हैं, हम इस दुनिया से बाहर हो गए हैं। इट मूवमेंट अस टू नॉट, यह हमें प्रेरित नहीं करता है। ग्रेट गॉड हे महान ईश्वर हे महान भगवान ब्रदर्स वी, मुझे ऐसा रहना पसंद होगा। अ पिजन सक्ड इन द क्रीट आउटवर्ड्स, घिसे पिटे संप्रदाय में डूबा एक बुद्ध परस्त व्यक्ति। सो माइट आई स्टैंड ऑन दिस प्लेसेंटी, तो क्या मैं इस सुखद पथ पर खड़ा होकर ऐसी झलकियां पाए जो मुझे कम उदास करें। प्रोटियस को समुद्र से निकलते हुए देखें, प्रोटियस राइजिंग फ्रॉम द सी, या बूढ़े टाइट्रन को अपना फूला हुआ हार्न बजाते हुए सुने। अब ये पोएम हमने अभी आपके सामने रखी है हिंदी और इंग्लिश के अंदर, ये आखिरकार क्या कहना चाह रही उसकी तरफ हम चलते हैं। तो 1807 में प्रकाशित विलियम वर्ड्सवर्थ का सोनेट दुनिया हमारे साथ बहुत ज़्यादा है अंग्रेजी की एक रोमांटिक आंदोलन में केंद्रित आंकड़ों में से एक पोएम है। यह कविता मानव जाति और प्रकृति के बीच खत्म हो रहे संबंध के शोक को व्यक्त करती है और उस संबंध को भौतिक गतिविधियों से बदलने के लिए औद्योगिक समाज को दोषी ठहराती है। वर्ड्सवर्थ ने पहली औद्योगिक क्रांति के दौरान यह कविता लिखी थी जो 18वीं सदी के मध्य से लेकर 19वीं सदी के शुरुआत तक तकनीकी और यांत्रिक नवाचार का दौर था जिसने ब्रिटिश जीवन को पूरी तरह से बदल दिया था। विद्यार्थियों अब हम चलते इस पोयम के बाद में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन द पोयम द वर्ड्स इज टू मच विथ अस, इस पोयम बाय किसने लिखी है, तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी, याद रखिएगा विलियम वर्ड्सवर्थ। द पोयम द वर्ड्स इज टू मच विथ अस पोयम रिटन इन लैम्बिक पेंटामीटर, क्या है लैम्बिक पेंटामीटर, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 3 व्हाट इज द जेनरा ऑफ द पोयम द वर्ड्स इज टू मच विद अस, तो अभी हमने एक वर्ड पढ़ा था इसमें, तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा सोनेट। विच ऑप्शंस एक्सप्लेन द टाइटल द वर्ड्स इज टू मच विद अस मोर एप्रोप्रिएट, तो करेक्ट आंसर डी पीपल हैव बिकम सो कंसर्न्ड विद वर्ल्डली मटेरियल थिंग्स दैट दे हैव नेग्लेक्टेड। प्रश्न क्रमांक 5 What is theme of the poem The Words is Too Much With Us? तो इसके तीनों ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे ए बी और सी।
लूज ऑफ द नेचर एंड नेचुरल वर्ड्स, इम्पैक्ट ऑफ द बिजी लाइफ। तो इस तरीके से तीन ऑप्शन करेक्ट है, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। छठा प्रश्न है, व्हाट डज द पोइट क्रिटिसाइज इन द पोयम। तो इसमें भी तीनों ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, पीपल एटीट्यूड टूवर्ड्स नेचर, द वर्ड्स ऑफ द फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस। तो ए बी सी तीन ऑप्शन करेक्ट है, तो करेक्ट आंसर ऑल ऑफ द अबाउ। प्रश्न क्रमांक सात, हाउ मेनी ग्रीक गॉड्स इट डिस्क्राइब इन द पोयम। तो टू, दो आता है इसके अंदर। व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ द सी गॉड प्रोटियस। तो आठवें प्रश्न करेक्ट आंसर डी, ही कैन एज्यूम डिफरेंट शेप्स। प्रश्न क्रमांक नौ, व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ अ ट्राइटन गॉड। तो इसका करेक्ट आंसर ए और सी दोनों हो जाएगा, ही ब्लोज हिज कॉन्च इन ऑर्डर टू क्लेम द वेव्स। और सी ऑप्शन दिया हुआ, ही इज डीमीगॉड ऑफ द सी। प्रश्न क्रमांक द सी ऑफ द बियर्स हिज बॉसम टू द मून, विच फिगर ऑफ द स्पीच हैज बीन यूज इन द लाइन। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सी ऑप्शन। प्रश्न क्रमांक 11, द पोइट विलियम वर्ड्सवर्थ पोइट मोस्टली डील विथ। तो अधिकतर ने जो विलियम वर्ड्सवर्थ ने जो पोयम लिखी थी, जो हमने सेकेंड ईयर में भी पढ़ी थी और अभी फाइनल ईयर के अंदर भी हमारे, तो हम्बल एंड रस्टिक लाइफ, उन्हें जितनी पोयम लिखी है वो किसके ऊपर है, हम्बल एंड रस्टिक लाइफ के ऊपर है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 12, हाउ मेनी लाइन्स आर देम इन द पोयम। तो कितनी लाइनें हैं, 14 लाइन की पोयम, याद रखिएगा विद्यार्थियों, 14 लाइन की पोयम है। हु विशेस टू रिमेन द पैगन्स इन द पोयम। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, पोस्ट हिमसेल्फ। फाइंड आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन्स, द विंड्स दैट विल बी होल्डिंग्स एट ऑल आवर्स। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ए और बी दोनों ऑप्शन हो जाएंगे, तो करेक्ट आंसर सी, बोथ ए एंड बी। व्हाट इज द रिम्स स्कीम्स ऑफ द पोयम्स। तो 15वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा ए बी ए, ए बी ए, सी डी ई और सी डी ई ए करेक्ट आंसर। मतलब इस जो पोयम, इसकी थीम क्या है, इसका म्यूजिक किस प्रकार का है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 15वें प्रश्न का। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पोयम। तो करेक्ट आंसर बी, द वेस्टफुलनेस ऑफ ह्यूमन एक्शंस। प्रश्न क्रमांक 18, अकॉर्डिंग टू द पोयम व्हाट हैव ह्यूमन बिगिनिंग्स गिवन अवे। तो देयर हार्ट्स। करेक्ट आंसर 18 क्वेश्चन का ए। 19वां प्रश्न है, व्हाट डज द स्पीकर प्रिफर टू बी रदर देन अ पार्ट ऑफ द मॉडर्न वर्ड। तो अपिगन। प्रश्न क्रमांक 20, अकॉर्डिंग टू पोयम व्हाट वुड मेक द स्पीकर लेस फॉरलॉर्न। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ऑब्जर्विंग नेचर इन इट्स ट्रू फॉर्म। प्रश्न क्रमांक 21, हू इज मेंशंस इन द लास्ट टू लाइन ऑफ द पोयम। तो प्रोटियस एंड ट्रिटॉन। करेक्ट आंसर सी। प्रश्न क्रमांक 22, व्हाट डज द पेरास द सी दैट बियर्स हिज बॉसम्स टू द मून एम्प्लाय। द सी इज क्लैम एंड सिरेनसिस अंडर द मून लाइट। प्रश्न क्रमांक 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर ए ऑप्शन, वी आर डिसकनेक्टेड फ्रॉम नेचर। प्रश्न क्रमांक 24, व्हाट डज द स्पीकर्स मींस बाय क्रीड आउटवर्ड। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, डॉगमेटिक एंड आउटडेटेड डॉक्ट्रीन। 25 क्वेश्चन, व्हाट डज द स्पीकर्स विश टू एक्सप्रेस बाय बिगिनिंग्स अ पेगन। तो करेक्ट हो जाएगा कंसर्न्स विद द एंशंट्स गॉड एंड मैथिकल्स बींग्स। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज द इमेज प्रोटियस राइजिंग फ्रॉम द सी सिंबोलिज्म। तो प्रश्न 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड चेंजेस। 27, व्हाट डज द फेरास ले वेस्ट आवर पावर्स सजेस्ट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर 27 क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज द स्पीकर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स नेचर। तो करेक्ट आंसर 28 का बी ऑप्शन यहां पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट डज द प्रेस अब गैदर्स नाउ लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स सजेस्ट। तो द विंड्स आर ए डोरमेंट एंड पीसफुल। तो प्रश्न क्रमांक 29 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 30, व्हाट डज द स्पीकर्स मींस बाय सॉडिड बून। तो करेक्ट आंसर सी, अ शेल्फ इज
एडवांटेज. क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट द स्पीकर डिस्क्राइब द फाइनल टू लाइंस ऑफ द पोएम. तो टू विथनेस मैथिकल क्रिएचर्स. तो 31 का ए आंसर करेक्ट हो जाएगा. प्रश्न क्रमांक 32, 32वां प्रश्न दिया हुआ है. 32वें प्रश्न का अकॉर्डिंग टू द स्पीकर व्हाई आर द ह्यूमन बींग्स आउट ऑफ ट्यून. तो करेक्ट आंसर, दे हैव लॉस्ट देयर कनेक्शंस विद नेचर. 32 का ए आंसर करेक्ट हो जाएगा. प्रश्न क्रमांक 33 जो दिया हुआ है, व्हाट डज द रेस लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज अवर्स एम्प्लाइंग. तो करेक्ट आंसर सी, ह्यूमन बींगिंग्स हैव लॉस्ट देयर फॉर द नेचुरल वर्ल्ड. प्रश्न क्रमांक 34, 34वां क्वेश्चन है, व्हाट डज द स्पीकर मीन्स बाय अ क्रिट आउट वन. तो अ रिलीजियस बिलीफ सिस्टम दैट हैज बिकम इरेलीवेंट. 34वें का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. 35वां प्रश्न, व्हाट डज द स्पीकर एक्सप्रेस अ प्रिफरेंस फॉर. तो करेक्ट आंसर एंशिएंट्स पेगन्स बिलीफ्स. 35 का करेक्ट आंसर बी. 36, एक ओवरऑल सेंटिमेंट इन द पोएम. तो 36 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यहां पर जो आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर. 37, द वर्ड इज टू मच विथ अस सजेस्ट. तो करेक्ट आंसर 37 का ए ऑप्शन हो जाएगा. 38, फॉर दिस फॉर एवरीथिंग्स वी आर आउट ऑफ ट्यून रिफर टू द स्पीकर लैक्स ऑफ हारमोनीज विथ द वर्ल्ड. करेक्ट आंसर सी. क्वेश्चन नंबर 39, अ पिगॉन स्लग्ड इन द क्रीट आउट वर्ल्ड. तो अ पर्सन हु फॉलोज एन एसेंट्स एंड आउटडेटेड रिलीजियंस. करेक्ट 39 का ए आंसर करेक्ट हो जाएगा. 40 क्वेश्चन, व्हाट इज द स्पीकर एटीट्यूड टूवर्ड्स द मॉडर्न वर्ल्ड. तो 40वां प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन. 41वां प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर. 41 क्वेश्चन जो है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मेंशन प्रोटियस एंड ट्रिटॉन इन द पोएम. तो दे सिंबोलाइज्ड द ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ नेचर. तो 41 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी. तो विद्यार्थियों, ये था तृतीय वर्ष यानी थर्ड ईयर का जो आपका फाउंडेशन कोर्स है यानी आधार पाठ्यक्रम का दूसरा पेपर इंग्लिश, और उस इंग्लिश का पहली यूनिट का दूसरा वीडियो लेक्चर. तो आई होप ये वीडियो लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा. अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक इसको शेयर करें, और चैनल पर यदि आप पहली बार जुड़े और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लिए ताकि हमें एक मोटिवेशन मिलता रहे. उसी तरीके से हम आपके लिए वीडियो लेक्चर लेकर आते रहें. साथ ही उसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं. जय हिंद, जय भारत.